वॉइस है हेलो राम राम इधर 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 देखना एक बार ठीक है सर मैं महेंद्र सिंह मालविया लोकसभा में स्थान भरने के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि सत्य निष्ठा से इसकी पुष्टि करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूँगा और मैं भारत की संप्रभुता अखंडता को बनाए रखूँगा। सर आप आज भारतीय जनता पार्टी से आपने नामांकन भरा है और किस तरह कौन कौन लोग थे और क्या रणनीति रही आगे? रणनीति तो हमारे देश लेवल पे बनती है और जिसका नेतृत्व तो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में हमारे मंत्री जी वर्तमान के हमारे सांसद दोनों जिलों के जिला अध्यक्ष और सभी कार्यकारिणी सभी मिलकर दो जिलों की रणनीति बनाते हैं। कितने नामांकन भरे? नामांकन दो भरे। अब आगे में आप चुनाव के अंदर मैदान में उतरे हैं और थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी जब हमारे बीच में होंगे कितनी खुशी होगी और जो जनता बांसवाड़ा की डूंगरपुर के आज दशा का त्यौहार है, लड्डू खाने का त्यौहार है, इसके बाद भी जो टूट के आ रही है जन सैलाब, यहाँ से लगा कर गड़ी तक का पूरा रास्ता जाम है, बागी तरफ का रास्ता जाम है, ये कोई कम खुशी नहीं है, बहुत भयंकर खुशी है। मां पार्टी का नामांकन भरते समय आरोप लगाया कि महेंद्र जी मालविया ने कांग्रेस छोड़कर गद्दारी करी है, उस पर आप वो कौन होते हैं कहने वाले? ये मेरा निजी मामला है जो पार्टी में स्वीकार करता हूँ। प्रजातंत्र में मुझे जाने का, मुझे चुनाव लड़ने का अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है। वो कौन होते हैं? अच्छा उनको ये समझ नहीं पड़ती कि तुम कल तक तो बीटीपी में थे तो खुद ही पार्टी तोड़ के और बाप बनाई, वो बात नहीं है क्या? अच्छा कल भी उनकी जो भीड़ देखते हुए क्या है टक्कर इस बार भाजपा और बाप में लग रही है मजबूत होगी टक्कर? देखो आधे लोग तो मतदाता थे ही नहीं, सैलाने वाले यहाँ आ रहे हैं तो इनका वोट है क्या? प्रतापगढ़ वाले आ रहे हैं, आसपुर वाले आ रहे हैं, गुजरात वाले आ रहे हैं। अरे भीड़ देखनी और मतदाता देखना हो तो भी सभा के अंदर आप देख सकते हैं सच्चाई क्या है, इस बातों में कोई दम नहीं है। ये किसके पास जाके खड़े रहेंगे ये बताओ मेरे को, किसके पास जाके खड़े रहेंगे? आज डबल इंजन की सरकार यहाँ भी है, दिल्ली में बनेगी, मोदी साहब बनेंगे, पूरे देश के अंदर डबल इंजन सरकार का रेलम पेल होगा विकास। आज जैसे कनकमल जी ने रेल के लिए बहुत प्रयास किए हैं, हम चुनाव जीत के जाएंगे, दोनों भाई साथ रहेंगे, पूरी पार्टी साथ रहेगी। रेल मंत्री जी प्रधानमंत्री जी से बात करके रतलाम बांसवाड़ा डूंगरपुर की रेल को हम बिछाएंगे और बांसवाड़ा की जनता को रेल की सौगात मिलेगी। क्या ये बाप कर सकता है? आज मैंने पिछली गवर्नमेंट में भले ही में रहा, 13 अरब रुपया माही का दिया है और माही तंत्र को हमने ठीक कर दिया है, क्या ये बाप दे सकता है? आज महेंद्र मालविया पढ़ा लिखा आदमी है, 40 साल की राजनीति है, बहुत सोच समझ कर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ। हम सब मिलकर इस वागड़ का विकास करेंगे, कोई चीज़ की कमी नहीं आने देंगे। प्रयास लगाया जा रहा है कि कुछ देर में नामांकन आ जाए, उनके पास नामांकन भरने के नाम नहीं आ रहे हैं तो इस पर क्या कहना आपका?
ये कांग्रेस पार्टी अपना खुद का निर्णय है, हम तो उसमें भारतीय जनता पार्टी वाला क्या कर सकते हैं। ये समझ सकता हूँ कि मैंने पार्टी ज्वाइन किया, 13वें दिन टिकट मिला, सबसे पहला टिकट प्रधानमंत्री के साथ में मेरा टिकट, वो ये कम है भारतीय जनता पार्टी की ताकत। अब कांग्रेस पार्टी नहीं करे तो भारतीय जनता पार्टी करने थोड़ी लगेगी इनको, हम तो हमारा काम करेंगे। धन्यवाद आप सबको।